हेलो YouTube और क्या हाल चाल है। आई होप सब लोग यार मजे में होंगे। अब जी ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो अंडर द एज ऑफ 18 है, ठीक है, और कनाडा आने का ड्रीम रखते हैं और कनाडा आने के बारे में सोच रहे हैं। अब जी अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर ही लिया तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि इस वीडियो का कॉन्टेंट उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है जो अंडर एज है, और वीडियो को अधूरा मत छोड़ के जाना ताकि आपको आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन ना हो, ठीक है। अब यार कितनी चीजें जो डिटरमिन करती हैं आपके कनाडा आने पर या ना आने पर, उनमें से एज भी एक फैक्टर है। अब उस एज में यार कनाडा में आने का जुनून होता है, ठीक है, एक क्यूरियोसिटी सी होती है कि सारे क्वेश्चंस जो है वो पता लग जाए, उनके आंसर्स पता लग जाए कि हम कैसे आ सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, तो वो जानने के लिए यार वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। तो हम डिस्कस कर लेंगे कि आप कनाडा में अंडर द एज ऑफ 18 कैसे आ सकते हो और कनाडा में आने के बाद आपको क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस जो है वो फेस करनी पड़ सकती है, या फिर क्या क्या चीजें जो आपके लिए अलग हो सकती है जो एक एडल्ट के लिए नहीं होती, ठीक है। और अगर आपको यार एंड तक जाते जाते इस वीडियो का कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना जो कनाडा में आना चाहते हैं, ताकि उनको भी पता लग जाए कि उनका एज फैक्टर कम होने के बावजूद वो कनाडा में आ सकते हैं और कैसे आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं, सो टेक नोट्स। अब जी सबसे पहले तो यार मैं आपको ये बता दूं कि कनाडा में जो डिफरेंट प्रोविंसेस हैं वो डिफरेंट एज ग्रुप को माइनर एज काउंट करते हैं, जैसे कि अल्बर्टा, मैनिटोबा, प्रिंस एडवर्ड, क्यूबेक, सस्केचुअन, ये जो है 18 ईयर से जो अबव है इनको एडल्ट कंसीडर करते हैं, और दूसरे प्रोविंसेस जैसे कि ब्रिटिश कोलंबिया, न्यू ब्रंसविक, नोवा स्कोशिया 19 ईयर से ज्यादा वाले को एडल्ट कंसीडर करते हैं, ठीक है। पर नो मैटर व्हाट, अगर आपकी एज 18 से कम है पूरे कनाडा में कहीं पर भी आप अंडर एज ही कंसीडर होगे। अब क्योंकि आप अंडर एज हो, ठीक है, आप माइनर चाइल्ड हो, तो कनाडा में आने के लिए सबसे पहले तो ये चीज ध्यान रखो कि अगर आप अंडर द एज ऑफ 17 हो, तो गौर से सुनो यार, अगर तो आप अंडर द एज ऑफ 17 हो तो कनाडा में आने के लिए आपको आपके पेरेंट्स जो है वो एकम्पनी करने चाहिए, या फिर कोई लीगल गार्डियन आपके साथ कनाडा में आना चाहिए अगर आप अंडर द एज ऑफ 17 हो, ठीक है। 17 से अगर आप कम हो तो कोई ना कोई बंदा आपके साथ जरूर आएगा ही आएगा, ठीक है, या फिर कनाडा में आपका कोई कस्टोडियन होना चाहिए, मतलब कोई एक इंसान जो आपकी टेक केयर कर सके, ओके। अब यार मैं आपको बता देता हूँ कि ये कस्टोडियन होता क्या है। तो कस्टोडियन कोई भी वो इंसान है जो कनाडा में परमानेंट रेजिडेंट हो, ठीक है, मतलब PR हो या फिर कैनेडियन सिटीजन हो, ठीक है, और एडल्ट हो और कनाडा में रह रहा हो, जो कि विलिंगली रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि वो आपकी जो है वो टेक केयर करेगा, मतलब एक तरह से आपकी गार्डियनशिप ले, आपकी कस्टोडियनशिप ले, गवर्नमेंट को ये कह के कि ओके आई विल टेक केयर ऑफ दिस पर्सन। अगर तो कोई ऐसा इंसान है, ठीक है, जो कनाडा में आपका है, जो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, तो आप उसको कस्टोडियन शो करके कनाडा के लिए एप्लीकेशन जो है वो फाइल कर सकते हो। अब ये जो कस्टोडियन है ये जरूरी नहीं है कि आपका रिलेटिव ही हो, कोई भी ऐसा इंसान जो यहाँ पर PR या फिर सिटीजन है वो आपकी कस्टोडियनशिप ले सकता है, ठीक है, कोई भी थर्ड पर्सन जो है वो आपकी कस्टोडियनशिप ले सकता है, बट इट्स अ रिस्पॉन्सिबल वर्क और बहुत ज्यादा पेपर वर्क करना पड़ता है, तो आप उस इंसान को दो जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट हो, ठीक है। अब यार एक चीज और गौर करने वाली यहाँ पर ये है कि अगर तो आपकी एज 17 से भी कम है, ठीक है, तो कनाडा में एक कस्टोडियन होना आपको बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, ठीक है, एज पर कैनेडियन रेगुलेशंस। तो अगर आपके पास यहाँ पर कोई कस्टोडियन नहीं है तो आप यहाँ पर आने के लिए जो एप्लीकेशन है वो फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। पर अगर आपकी एज यार 17 या उससे ज्यादा है, मतलब 17 और 18 के बीच बीच में है, तो आपको यहाँ पर कस्टोडियन होना मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, वो डिपेंड करता है ऑफिसर पर जो आपकी फाइल चेक करेगा। अगर तो आपने फाइल सबमिट की, ठीक है, उसके बाद एक ऑफिसर यहाँ से रिक्वेस्ट कर सकता है कि यहाँ पर कोई कस्टोडियन शो करो। अगर कोई ऑफिसर यहाँ से रिक्वेस्ट करता है तो आपको कोई कस्टोडियन शो करना पड़ेगा, अगर आप नहीं शो करते तो आपकी फाइल जो है वो रिफ्यूज हो जाएगी। तो बेसिकली ये लगाकर चलो कि अगर आपकी एज 18 से कम है तो आपको यहाँ पर कस्टोडियन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो इंसान जो यहाँ पर PR या फिर कैनेडियन सिटीजन हो और आपकी टेक केयर ले सके, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। अब जी लेट्स से आपको कोई कस्टोडियन जो है वो मिल गया, आपकी एज 18 से कम है, ठीक है, आपको कोई कस्टोडियन भी मिल गया, अब आपको जानना है कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो अप्लाई करने के लिए करना क्या है, आपको करना ये है कि IRCC की वेबसाइट के ऊपर कस्टोडियनशिप डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, उसको डाउनलोड करके उसको फिलअप करके अपनी स्टडी एप्लीकेशन के साथ, परमिट की जो एप्लीकेशन है उसके साथ सबमिट कर देना, ओके? अब यार कस्टोडियनशिप डिक्लेरेशन फॉर्म में होता क्या है, बेसिकली ये कि ये डिक्लेरेशन फॉर्म है जिसमें पेरेंट्स कहते हैं कि ओके हम अपना जो चाइल्ड है इस बंदे के अंडर दे रहे हैं, ठीक है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर जो है हम कनाडा भेज रहे हैं। अब उस फॉर्म में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल आउट करनी पड़ेगी। करना क्या होगा कि पेरेंट्स को अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद वहां पर साइन करवाना, और जिस भी कंट्री से आप भेज रहे हो, ठीक है, अगर आप इंडिया से भेज रहे हो तो इंडिया की नोटरी से वो नोटराइज करवाना, और यहाँ पर जो कस्टोडियन है, ठीक है, उसको भी फिल करना, उसको भी अपने साइन करने, और यहाँ पर यहाँ की गवर्नमेंट से, ठीक है, नोटराइज करवाना। जब ये दोनों चीजें वेरीफाई हो जाए, ठीक है, यहाँ का कस्टोडियन आपको वो पेपर जो है वो इंडिया में सेंड करेगा या फिर बैक होम जहाँ पर भी आप हो वहाँ पर सेंड करेगा, आप उस डॉक्यूमेंट को, उस फॉर्म को अपनी फाइल के साथ सबमिट कर सकते हो और अपने स्टडी परमिट एप्लीकेशन के साथ उसको सबमिट कर सकते हो और देख सकते हो कैसा प्रोसेसिंग है।
अब यार एक बार आपने कस्टोडियन ढूंढ लिया, ठीक है, एक फॉर्म पर साइन करवा लिया, ठीक है, कस्टोडियनशिप डिक्लेरेशन फॉर्म साइन कर दिया, नोटराइज करवा लिया, अपनी स्टडी परमिट एप्लीकेशन के साथ सबमिट कर दिया, बस अब बाकी का प्रोसेस यार सेम है एडल्ट्स के लिए भी और अंडर एज के लिए भी। सो अपनी एप्लीकेशन सबमिट करो, उसकी अप्रूवल की वेट करो और फिर आ जाओ कनाडा, ठीक है। अब यार एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स आए नो कि जो ये वीडियो देख रहे होंगे, जो अभी भी स्कूल में है, ठीक है, स्कूल में पढ़ रहे हैं, प्लस वन या प्लस टू कर रहे हैं और कनाडा आने के सपने देख रहे हैं या फिर कनाडा आना चाहते हैं, आपको यार मैं एक चीज बता देता हूँ कि नो मैटर कि आप कौन सी स्ट्रीम चूज करते हो, ठीक है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स या फिर जौन सी भी आप स्ट्रीम चूज करते हो, एक चीज का ध्यान रखना कि आप सारे सब्जेक्ट्स में पास जरूर हो जाना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 90 ही स्कोर करने हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि आप 30% स्कोर करो, तो एक 45% तक की जो लिमिट होती है वो रखना, पर आई रिकमेंड कि 60% तक सारे स्टूडेंट्स जो वो स्कोर कर लो, अगर नहीं भी कर पाते 45% से जो है वो कम बच जाना, क्योंकि अगर 45% से कम हो तो चांसेस हैं कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाए, पर अगर आपके स्कोर जो है वो 60% से ज्यादा है नो मैटर कौन सी स्ट्रीम में, तो आपके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं एप्लीकेशन में सिलेक्ट होने के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स होती हैं, ठीक है। तो कोशिश करना एटलीस्ट 61% तो मेंटेन करके रखना, ओके, और किसी भी सब्जेक्ट में फेल मत होना, बस अगर आप अपनी ये परसेंटेज जो है वो मेंटेन रखते हो, अपनी स्टडी एप्लीकेशन लगाओ और आ जाओ कनाडा। अब यार एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि अगर मेरी फाइल अप्रूव हो जाती है और मैं कनाडा में आ जाता हूँ तो कौन सी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो मुझे कनाडा में फेल करनी पड़ेगी, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस है भी या नहीं, अगर हैं तो वो कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस हैं वर्क प्लेस में या फिर लाइफस्टाइल में जो मेरे को एज अ अंडर एज फेस करनी पड़ेगी। तो उसके लिए सबसे पहले तो क्या कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो यस जी यहाँ पर ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो आपको अंडर एज फेस करनी पड़ेंगी। हर कंट्री में अपने अपने रेगुलेशंस होते हैं अंडर एज के लिए, ठीक है, माइनर चिल्ड्रन के लिए, तो वो रेगुलेशंस आप पर भी लगेंगी। अब कनाडा में यार वर्क प्लेस में कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो स्पेसिफिकली अंडर एज पर लगती हैं, कुछ ऐसे वर्क हैं, कुछ ऐसे वर्क फील्ड्स हैं जो लिमिटेड होती हैं जो आप नहीं कर सकते। अब एज अ अंडर एज अगर आपको कनाडा में काम करना है तो आप स्टोर्स में काम कर सकते हो, ठीक है, रिपेयर शॉप्स में काम कर सकते हो, फैक्ट्रीज में काम कर सकते हो, ठीक है, आउटलेट्स पे काम कर सकते हो, तो ये जो नॉर्मल एनवायरनमेंट है, ठीक है, सेफ एनवायरनमेंट वाली जगह है, इन पर आप काम कर सकते हो। पर कुछ ऐसी जॉब्स भी हैं जिनमें आप नहीं काम कर सकते, जैसे कि अंडरग्राउंड माइंस हैं, ठीक है, विंडो क्लीनिंग है, ये वाली जॉब्स आप एज अंडर एज नहीं कर सकते, और कोई भी आपको अंडर एज होते हुए अंडरग्राउंड माइनिंग के लिए या फिर विंडो क्लीनिंग के लिए हायर भी नहीं करेगा, ओके। और एक और चीज है यार, क्योंकि एजुकेशन इंपॉर्टेंट है तो आप अपना स्कूल या फिर कॉलेज है वो मिस करके काम भी नहीं कर सकते, ठीक है, तो जितने आवर्स आपका स्कूल है तो उतने आवर्स आप स्कूल में प्रेजेंट होने चाहिए, और अगर आपको एक्स्ट्रा कोई काम करना तो वो आप एक्स्ट्रा कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट प्रोविंसेस की डिफरेंट एज रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, मिनिमम एज अलग अलग एज ग्रुप्स को कंसीडर करते हैं, वैसे ही वर्क प्लेस पर भी अलग अलग प्रोविंसेस में अलग अलग एज ग्रुप्स को अंडर एज कंसीडर किया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंगली रिस्ट्रिक्शंस जो है वो वेरी भी कर सकती हैं, ओके। इसके अलावा यार एक और चीज है जो क्या होगी कि अगर आप यहाँ पर काम करते हो, ठीक है, तो आपके पेरेंट्स या गार्डियन से या फिर कस्टोडियन से साइन करवाए जाएंगे, उनसे लीगल कंसेंट लेंगे कि आई एम अलाउइंग माई चाइल्ड कि ये काम कर ले, ठीक है, अगर आपकी एज काफी कम है, पर ये कुछ केसेस में ही होता है, हर केस में ऐसा नहीं होगा कि आप कहीं पर भी काम ढूंढने जाओगे तो पहले वो आपसे आपके पेरेंट्स का कंसेंट फॉर्म मांगेंगे, कुछ जॉब फील्ड्स हैं जो आपके पेरेंट्स का जो है वो कंसेंट भी मांग सकते हैं, ओके। और ये डिपेंड करता है कि आप किस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, स्पेशली अगर आप नाइट शिफ्ट्स कर रहे हो तो नाइट शिफ्ट्स के लिए या फिर आपके ऊपर कोई सुपरवाइज करने के लिए कितने लोग हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कंसेंट फॉर्म मांगते हैं कि नहीं मांगते, ठीक है। अब ये तो थी यार रिस्ट्रिक्शंस जो आपको आपके वर्क प्लेस पर लगेंगे, आप कहीं पर काम करने जाओगे, कौन सा आप काम आप कर सकते हो, कौन से टाइम आप काम कर सकते हो, किसके साथ काम कर सकते हो, आपके ऊपर कितने लोगों की सुपरविजन होगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली ये रिस्ट्रिक्शंस थी, ठीक है। इसके अलावा यार आपके ऊपर और भी रिस्ट्रिक्शंस होंगी जो कि बहुत बेसिक है, माइनर सी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि आप लॉटरी टिकट्स नहीं बाय कर सकते, अल्कोहल नहीं ड्रिंक कर सकते, ठीक है, बार्स में नहीं जा सकते जहां पर अल्कोहल सर्व हो रही हो, तो ये वाली जो रिस्ट्रिक्शंस हैं यार ये बेसिकली वही रिस्ट्रिक्शंस हैं जो हर कंट्री में होती हैं, प्रोस्टिट्यूशन नहीं कर सकते या फिर अल्कोहल एंड ड्रग्स कंजम्पशन नहीं कर सकते, तो बाकी की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो नॉर्मल है, वही जो आपकी होम कंट्री में होंगी, ओके। अब जी इसके अलावा यार ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जो आपको अंडर एज होने की वजह से कनाडा में फेस करनी पड़ेगी, या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम और नहीं है जो आपको अंडर एज होने की वजह से, अंडर द एज ऑफ 18 होने की वजह से आपको कनाडा में आएगी, ठीक है। बाकी यार कनाडा काफी अच्छी कंट्री है, ठीक है, शानदार देश है, मजेदार एनवायरनमेंट है और काफी अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं, तो जितनी जल्दी आना चाहते हो आ सकते हो, ओके। अब आई होप यार ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, ठीक है, आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो, अगर मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट्स में अपने फीडबैक जरूर देना, और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मुझे वहां पर डीएम कर देना, ठीक है। और इसी के साथ आई विश जितनी जल्दी आप कनाडा आना चाहते हो उससे ज्यादा जल्दी आप कनाडा आ जाओ और मजे करो, तो फिर मिलते हैं कनाडा में और अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार।